Hi guys, welcome to MB's Man Cave. और आज का जो वीडियो है ये एक स्पेशल क्विकी वीडियो है जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं दो विस्कीज को और वो हैं ऑफिसर्स चॉइस ब्लू और इम्पीरियल ब्लू। ये रिक्वेस्ट आई थी हसन इकबाल जी की जिन्होंने बोला था कि इन दो विस्कीज को कंपेयर किया जाए और जज किया जाए कि दोनों में से कौन सी बेटर है। अब बेटर कौन सी है ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है क्योंकि आपको शायद कुछ पसंद आएगा और दूसरे को कुछ और, बट मैं एक ब्लाइंड टेस्टिंग कर रहा हूँ इन दोनों विस्कीज की और जज करेंगे कि मुझे दोनों में से कौन सी विस्की ज़्यादा अच्छी लग रही है। ऑफिसर्स चॉइस ब्लू का रिव्यू हमने कुछ टाइम पहले किया था और इम्पीरियल ब्लू का रिव्यू तो हमने कल ही किया है, तो दोनों ही विस्कीज मेरे सामने हैं। अब मुझे पता नहीं है कि इनमें से इम्पीरियल ब्लू किस में है और ऑफिसर्स चॉइस ब्लू किस में है। शफल कर दिया गया है इसे, इस कोस्टर के नीचे इस विस्की का नाम लिखा हुआ है एक लेबल के अंदर। जब मैं इस विस्की को जज करूँगा उसके बाद चेक करेंगे कि दोनों में से विस्की कौन सी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। तो चलिए पहले नोजिंग पर आते हैं दोनों विस्कीज़ की, चेक करते हैं कि नोजिंग में दोनों विस्कीज़ का क्या कंपैरिजन है। ऑफिसर्स चॉइस ब्लू का मुझे एक भपका आया था वो शायद इस विस्की से आ रहा है और ये विस्की काफ़ी लाइट है, तो मेरा गैस है कि ये इम्पीरियल ब्लू है और ये ऑफिसर्स चॉइस ब्लू। बट यस, नोट्स ज़्यादा ब्राइट हैं ऑफिसर्स चॉइस ब्लू के, बहुत ही फेंट नोट्स हैं इम्पीरियल ब्लू के। अभी जितना मुझे समझ में आ रहा है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट वाली विस्की है ओसी ब्लू और इम्पीरियल ब्लू के टेस्ट काफ़ी लाइट है। चलिए टेस्ट पर आते हैं, पहले ये ट्राई करते हैं जो मेरे हिसाब से इम्पीरियल ब्लू है। पहले हमने नोजिंग इसकी करी थी तो टेस्ट पे पहले इसे ट्राई करते हैं। यस डेफिनेटली काफ़ी लाइट विस्की है, काफ़ी फ्रेंडली है, मैं कहूँगा थोड़ी थोड़ी स्वीट भी है। नॉट दैट बैड एक्सपीरियंस जो कि एक्सपेक्टेड होता है इतने कम प्राइस रेंज की विस्की से। तो चलिए अब इस पर आते हैं और चेक करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। काफ़ी ज़्यादा हार्श है इस विस्की का टेस्ट एज कम्पेयर टू दिस विस्की। मेरा मानना है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स हैं इसके, स्ट्रॉन्ग विस्की है ये फ्लेवर के मामले में। अगर आपको ऐसी विस्की पसंद है जो थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी दे आपको, थोड़ा हिट करे आपको, एक थप्पड़ मार के आपको बिठाए सीधे, तो आपको ये वाली विस्की ज़्यादा पसंद आएगी। अगर मैं जज करूँ इन दोनों विस्कीज़ को तो आई थिंक नो डाउट मुझे ये वाली विस्की ज़्यादा बेटर लगी है, ज़्यादा स्मूथ लगी है। नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ स्मूथनेस, सिर्फ स्मूथनेस की बात नहीं है, आई थिंक ओवरऑल ज़्यादा बैलेंस है इस विस्की में। इस विस्की में हल्का हल्का स्मोक है, नॉट फ्रॉम पीटेड मॉल्ट्स बट आई थिंक इसकी वुड की वजह से। वहीं ये विस्की मुझे काफ़ी यंग लगी, बट अगर आपको स्मूथ विस्कीज पसंद हैं तो आई थिंक आपको ये विस्की पसंद आएगी। और अगर आपको थोड़ी हार्श टेस्ट की विस्की पसंद है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग विस्की पसंद है, तो आपको ये विस्की पसंद आएगी। चेक करते हैं कि दोनों में से कौन सी विस्की कौन सी है। तो ये विस्की जो है ये है, जी हाँ, इम्पीरियल ब्लू। तो मतलब ये विस्की जो है ये है ऑफिसर्स चॉइस ब्लू, जी हाँ। तो आई थिंक दोनों ही अच्छी विस्कीज़ हैं। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे इम्पीरियल ब्लू ज़्यादा बेटर लगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इस विस्की का जो टेस्ट है वो ऐसा है कि इसे कोई भी पी सकता है। वहीं ऑफिसर्स चॉइस ब्लू ऐसी विस्की है जो शायद हर किसी को पसंद नहीं आएगी। तो आज का इन दोनों विस्कीज़ में आज का विनर है इम्पीरियल ब्लू। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो, ये कुछ डिफरेंट बनाया है मैंने। अगर आपको ऐसा वीडियो अच्छा लगा है और आप ऐसे ही कुछ मैचअप्स देखना चाहते हैं ब्लाइंड टेस्टिंग के, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आप किन दो विस्कीज़ के मैचअप्स देखना चाहेंगे। तो मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चीयर्स।